लोकसभा के चुनाव की घोषणा के साथ ही आजमगढ़ का सियासी तापमान बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को फिर से प्रत्याशी बनाया है। यहां मेरे साथ आजमगढ़ के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा, धर्मेंद्र यादव भारी पड़ेंगे या दिनेश लाल निरहुआ फिर से सांसद बनेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में कि दिनेश, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी बनाए, तो क्या फिर ये सीट को बचा पाएंगे? बचा पाएंगे, उससे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। कैसे समीकरण है वैसा? समाजवादी पार्टी पहले भी एमओएस फैक्टर चलती थी, अब भी चल रही है। विधानसभा की जैसे आप 10 सीट की बात कर रहे हैं, 10 सीट में जो सीटें उन्होंने जीता, बहुत मामूली मामूली अंतर से हम लोग हारे हैं सीटें। और जो इनका उस समय वोट बैंक था राजभर वाला, वो आज पूरी तरह से हमारे पास है। पिछली बार राजभर का हमको 10% मिला, आज 100% मिलेगा। क्यों? क्यों, राजभर के सारे नेता हमारे साथ हैं। दावा तो भाई समाजवादी पार्टी भी कर रही है कि उनके पास भी राजभर नेता है। अभी कौन राजभर नेता है इनके कौन? पास नहीं है। कौन रामचल राजभर है और जिले के? नहीं नहीं, ठीक है, रामजुआ राजभर है। जिसको 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 नेता माने राजभर, वो नेता। ये सही है कि इनके साथ गठबंधन में थे तब तक राजभर के वो नेता थे, आज रामचल राजभर नेता हो गए। गठबंधन आपका भी लग रहा है, कुर्ता वही रही लग रहा है, आपने कुर्ता ले लिया है? नहीं, कुर्ता तो हमारा बहुत पुराना है। नहीं नहीं, लग रहा है कि आपने लिया है। गमछा हमारा भगवा होता है, तो कुर्ता तो ले लिया आप, लग रहा है। नहीं, कुर्ता काफी दिन का है, वो तो आप देखिए जान जाएंगे कि पुराना कुर्ता। और ये बताइए, जैसे आपने कहा कि 10 सीटें कम मार्जिन से, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ भी तो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। जी, मात्र 8,000 से जीतना कैसे आप इसको? मतलब जैसे नहीं, ये इनका पूरा जो समीकरण है सपा का, वो केवल मुस्लिम वोट बैंक पर उन्होंने है, उन्होंने जो काम किया है उस पर काम किया है मुस्लिम वोट बैंक पे। तो पिछली बार 70 सपा को मिला था, 30 जमाली भाई को मिला था, या जमाली भाई को 40 मिला रहा होगा, 60 धर्मेंद्र जी को मिला रहा होगा। वो आज ये बता रहे हैं कि एक जगह हो गया है, वो बता रहे हैं कि एक जगह हो गया, तो 40% अगर वो रख लिया जाए उसको, तो 40,000 वोट वो बढ़ा दिए, 90,000 राजभर वोट हमारे साथ आ गया उसके एवज में। नहीं, वो आ तो गया, लेकिन युवा बहुत नाराज है। किस युवा कह रहा कि नौकरी नहीं मिल रही है? नौकरी आप स्वयं देखिए, बड़े बड़े देशों में जो विकसित राष्ट्र है उसमें सेना के अलावा कहीं सरकारी नौकरी नहीं, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर। बिहार में देख लीजिए, बगल में, बाकी सब जगह बात पूरी हो जाए भाई साहब, बाकी सब जगह प्राइवेट सेक्टर होता है, केवल सेना में सरकारी नौकरी होती है। यहाँ बहुत होगा 10%, 12%, 15% सरकारी नौकरी सरकार पैदा कर सकती है, बाकी प्राइवेट ही नौकरी करना है। उसमें हम सड़कें बनवा रहे हैं तो क्या लोग जॉब नहीं पा रहे हैं? पा रहे हैं ना, एयरपोर्ट यहाँ पर बना है तो लोग नौकरी नहीं पाएंगे, विश्वविद्यालय खुला है तो लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, पीजीआई में आज इतना ज़्यादा स्टाफ बढ़ गया है तो वो लोग नौकरी पाए हैं ना, वो जॉब है ना। आखिरकार हम लोगों ने रेड़ी पटरी वालों को 10,000, 20,000, 60,000 दिया है, जो लिए हैं बिना ब्याज के लोन, जो लोग ले रहे हैं वो लोग व्यवसाय तो कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, 2-4 लोगों को नौकरी अपने यहाँ दे रहे हैं। एक चीज बताइए विवेक जी, जैसे उन्होंने कहा कि मजबूती बीजेपी मजबूत है, नौकरी भी दे रही है, आप लोग झूठ में क्यों ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ये सही पूछे तो मोदी जी के अनन्य भक्त हैं। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि बीटेक, एमटेक, एलएलबी किए नौजवान पकौड़ा तलेंगे तो पकौड़ा भी एक रोजगार है, तो उसी तरह से भी वही रोजगार देना चाहते हैं आजमगढ़ के नौजवानों को। लेकिन आजमगढ़ के नौजवानों को समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा व्यापक दिया, यहाँ पीजीआई हॉस्पिटल बनाया, उसके माध्यम से यहाँ डॉक्टरों की पढ़ाई होने लगी एमबीबीएस की, तो हम एक रोजगार देने का प्रयास किए। ये विकास की, हमारे साथी आपने विकास के बारे में पूछा तो इन्होंने भगवान राम को लिया बीच में। जब जब आप विकास की बात करोगे तो इनके पास राम और पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम बताएं समाजवादी पार्टी, इन्होंने कहा कि बाप बेटों ने कुछ नहीं किया, ये सामने लहलाती हुई बिल्डिंग दिख रही है, ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, हरिओम कला भवन है आपके बगल में भी, क्या मिला? ये भी समाजवादी पार्टी की देन है। को क्या मिला था? कलेक्ट्रेट पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार कलेक्ट्रेट आजमगढ़ की देन है। 2005 में हमने हवाई पट्टी बनाई तो
तो उस समय ही भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग कहा करते थे कि अनर्गल अनर्गल पैसा खर्च किया जा रहा है हवाई पट्टी उतरने के लिए। फिर जब हमने हमने 2012 में हमारी सरकार जब आई और 2015 में हमने जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाना चालू किया, तो आज जो इनके क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं राय साहब, उन्होंने ही मीडिया में ज्ञापन भी दिया था, उस ज्ञापन की प्रति भी मेरे पास है और मीडिया अमर उजाला से लेकर हर जगह चला था कि उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर समाजवादी पार्टी किसानों के साथ छलावा कर रही है, उचित मुआवजा नहीं दे रही। आज कह रहे हैं इन्होंने बनवाया सड़कें, सड़कें विकास तो आजमगढ़ को हमने बनवाया, दिल्ली और लखनऊ से जोड़ने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया। रिकॉर्ड दिखा दे, खरीदारी का एक कागज दिखा दे, आपने विकास की बात सरकार के समय किया, आपको 10 सीटें मिली लेकिन आप उपचुनाव हार गए। देखिए उपचुनाव 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 हम इसलिए हार गए क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग बहुत जल्दी लोगों को भटका देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से सिर्फ इसलिए छोड़ के गए थे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश को लूटने का काम कर रही थी, एक मजबूत विपक्ष बनने के लिए गए थे, ये मजबूत विपक्ष बन करके उत्तर प्रदेश के लूट को रोकने का काम करेंगे। बड़ी कुर्सी लोकसभा की छोड़ करके विधानसभा में इसलिए गए थे, लेकिन हमारी लेकिन लेकिन धर्मेंद्र जी चुनाव हार गए, आप 10 सीट विधानसभा की 10 सीटें आप कह तो रहे हैं कि जनता को इन लोगों ने गफलत में डाल दिया था। आजमगढ़ की महान जनता उस समय थोड़ी सी गफलत में आ गई थी कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ के चले गए, जबकि छोड़ के नहीं गए थे, वो एक मजबूत विपक्ष बनने के लिए प्रदेश में गए थे, प्रदेश की लूट को बचाने के लिए। इस बार कैसे गफलत में नहीं आएगी? इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी तो रहे एयरपोर्ट अगर एक इंच जमीन नहीं, इन्होंने 2005 के बाद रजिस्ट्री कराई तो बता दें, एक इंच जमीन मैं दावा कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय बनाया इन्होंने, विश्वविद्यालय अभी बन रहा है, तो अब इसके बाद विश्वविद्यालय बन रहा है, बनाया नहीं है, बन रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमने पीजीआई बनाया, हमारी सरकार ने पीजीआई बनाया और उसके सभी स्टाफ गोरखपुर चले गए, ये विश्वविद्यालय बना रहे हैं। जो विश्वविद्यालय है बगल में बलिया में भी 100 किलोमीटर पे और यही जौनपुर में विश्वविद्यालय है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में जो विश्वविद्यालय वेटरनरी मेडिकल कॉलेज एक था, दूसरा आजमगढ़ बना रहे थे वो हमें वेटरनरी मेडिकल कॉलेज, पूरे प्रदेश में सिर्फ एक है मथुरा में, दूसरा आजमगढ़ बना रहे थे उसको गोरखपुर लेके चले गए। आप बड़ी योजना लेकर के छोटी योजना दे दिए, शिक्षित नहीं बनाएंगे, आप जानकारी नहीं है, वेटरनरी मेडिकल कॉलेज बनेगा तो भैंस चलाएगा। युवाओं को बहुत प्रदेश स्तर पर बहुत खराब कर दिया गया है, ना शिक्षा पे बात करती है, ना रोजगार बढ़ती है न करती है, ना स्वास्थ्य पे बात करती है। जब कोई बात आप नौजवान रोजगार मांगते हैं तो मंदिर पे भटकाते हैं लोग। आप क्यों भटक रहे हैं? मंदिर हम लोग नहीं भटकने वाले हैं, इस बार जनता नहीं भटकेगी, आने वाले समय में गठबंधन कोट करेंगे और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी करेगी। 400 पार जा रहे हैं, 400 पार जनता समझ गए, 400 पार तेल करेंगे, पेट्रोल करेंगे, डीजल करेंगे, 400 पार सीट नहीं करेंगे, सीट नहीं करेंगे, होने वाली है 400 पार, जनता समझ चुकी है, 400 पार तेल होगा, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार डीजल होगा, ठीक, सीट नहीं होगी, नहीं सीट नहीं होगी, सीट हारने जा रहे 400 पार बता समझा नहीं पा रहे हैं, 400 जनता समझ गई है। अच्छा, अब ये समझ गई है, हां जनता समझ गई, 400 सीटें नहीं है, 400 डीजल पेट्रोल, जी जी। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा झूठ बोलते हैं, चाहे अभी 400 पार का कह रहे हैं ना जनता में कि मतलब मैं 400 पार आऊंगा, 400 पार आऊंगा, यहाँ 80 सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो और क्या करने जाएंगे? ये इनकी सोच पे ही आप सोच सकते हैं कि इनकी सोच कितनी अच्छी है कि गठबंधन इनका कितने पार्टियों से पूरे देश में किसी भी प्रदेश में या किसी भी जिले में बता दीजिए कि इनका भारतीय जनता पार्टी का किस पार्टी से गठबंधन नहीं है। नहीं, सवाल सबसे बड़ा ये है कि धर्मेंद्र जी फिर आ गए, दिनेश लाल रघुवर ने धर्मेंद्र को हराया था 4000 वोटों से, 4000 या 6000, मैं सवाल ये नहीं कर रहा हूँ, अब फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीत पाएगी? उस बार जो गलतियाँ हो गई थी पार्टी कार्यकर्ताओं से, पार्टी नेताओं से, लोगों से, वो गलती मेहनत नहीं हो पाई, गलती यही थी, मेहनत नहीं हो पाई ज़्यादा, लेकिन इस बार सब लोगों ने मूड बना चुका है कि धर्मेंद्र यादव जी को
यहाँ से जितवा करके अभी जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरा फूल रहे हैं, इनका इतिहास उठा के देखेंगे तो रमाकांत यादव, निरहुआ यादव दो ही लोग सांसद हुए, वो भी समाजवादी पार्टी से जा करके हुए, समाजवादी पार्टी के ही रहे हैं। तो आरोप तो बीजेपी ये भी लगा रही है कि धर्मेंद्र यादव को ही दिया, दूसरे यादव को भी दे सकते थे। मैं कह रहा हूँ तो निरहुआ की बात करते हैं कि निरहुआ आजमगढ़ के हैं, आ करके निरहुआ सिर्फ फिल्म शूटिंग करते हैं। अभी हमारे क्षेत्र में जाके देख लीजिए, यादव हमारे भारतीय जनता पार्टी को, मैंने कल भी कहा आज भी कहा कि जब यादव को ही देना था भारतीय जनता पार्टी को, एक यादव समाज का नौजवान ब्रजेश यादव अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, उसको बना देते यार। अगर किसी को देना था तो यहाँ जयनाथ सिंह, सहजानंद राय भाई हमारे जिला उपाध्यक्ष जी, ये हरबंश जी, ये लोग नौजवान जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया यहाँ पे, इनको दे देते। आप जुमा जुमा चार दिन पहले गाजीपुर से बुलाए, उनको लड़ा रहे हो जनता पार्टी। अरे ये लोग नौजवान चाहते हैं अपने को ठगा, धर्मेंद्र यादव को जितवाया जाए, क्योंकि वो निरहुआ से संतुष्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता। देखिए मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि ये जो यादवों की बात कर रहा है निरहुआ, वो सारा यादव वर्ग उनसे जुड़ चुका है, तो जमीन तो खिसक चुकी है। लोग बोलेंगे क्या? मैं आपको बता दूं कि जब से ये लोग कह रहे हैं बाहरी है, जब से वो यहाँ का सांसद हुआ है, आप बता दीजिए अपना काम करते हुए भी जनता का काम कर रहे हैं और लगातार आजमगढ़ में बने हैं, है, रौना पार आपका क्षेत्र है, रौना पार की सड़क बिलरियांगन से जो कि वहाँ के सेटिंग विधायक कभी नहीं बनवा पाए, आज वो किसने बनवाने का काम किया तो सांसद निरहुआ यादव जी ने बनवाने का काम किया। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, अरे आहो पट्टी का देख लीजिए, विधायक साथी को जानकारी नहीं है, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत की निधि से वो सड़क बनी है, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए दावा कर रहा हूँ, अगर निरहुआ के सांसद निधि से बना हो तो राजनीति छोड़ दूंगा। भाई मेरी जिला पंचायत की निधि से बना है, जिला पंचायत की निधि से बना, नौ बार के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी, नौ बार के विधायक है, और हम लोग जब भी वहीं जाते थे, हमारे संजय यादव जी वहीं के उपाध्यक्ष है, हम लोग जब जाया करते थे तो गड्ढे में जाया करते थे। सवाल ये है, देखिए बहुत बड़ा सवाल ये है, नौ बार के विधायक अपनी सड़क नहीं बनवा पाए, ये कह रहे हैं अब बनवाए हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि साहब ये तो चूक हो गई, दस विधायक हमारे पास हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकेगी नहीं। मैं आपको बता दूं, नहीं 12, मैं दो MLC भी समाजवादी पार्टी ने हाँ, ये तो हम भूल गए, 12 जनप्रतिनिधि हमारे के लिए आए, जो पिछला बारह जनप्रतिनिधि फोटो जमाली साहब ने जब देखा कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, पूरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ शोषण हो रहा है, गरीब दलित का शोषण हो रहा है, तो भारतीय तो समाज गुड्डू जमाली साहब यहाँ संविधान बचाने के लिए आए, संविधान बचाने की लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रही है, लोकतंत्र बचाने ना लोकतंत्र खतरे में था, गुड्डू जमाली साहब जब समझ गए कि अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा सबका शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, संविधान खतरे में है, तो उस लोकतंत्र संविधान को बचाने को गुड्डू जमाली साहब इंडिया गठबंधन में आए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आपको मैं बता दूं कि जब से निरहुआ यहाँ आए सबसे लोगों के पेट में दर्द हो गया है, क्योंकि वो आदमी यहाँ आया क्यों तो विकास का कार्य कर रहा है, नहीं विकास के नाते, ये लोग विकास तो करना नहीं चाहते, बारह है ना, इन्होंने जोड़ा ना बारह, समाजवादी पार्टी ने कभी कहा ही नहीं, आपने जोड़ा बारह, पार्टी ने कभी कहा ही नहीं, उन्होंने बोलने दीजिए भाई, आप बोलने दीजिए, कभी आप लगाए निरहुआ उन्होंने, आप बता दीजिए, आपको मैंने क्या कहा, चैनल के साथ आपको समाजवादी पार्टी ने कभी आरोप लगाया जी, मेरी बात उन्होंने लड़े, या तो आप कहते हैं हम चुप, धर्मेंद्र न लड़े, अखिलेश न लड़े, फलाने न लड़े, मैं आपको बता दूं कि सांसद जितना निचले स्तर तक काम किया, जनता का काम किया, रोड का काम किया, आवास दिलवाया, शौचालय दिलवाया, जितना काम निचले स्तर तक बैठ करके गांव-गांव में किया, वो ये लोग सोचते हैं कि अब जो है फिर हमारी जमीन खिसक जा रही है, और वो टिकट देने में किस तरीके से कि लोगों ने किया फलाने जा रहे हैं, तो दिखाने जा रहे हैं, दिनेश लाल यादव वही सांसद बनेंगे, अरे ये तो वही बनेंगे, कभी पता नहीं चलेगा,
पता नहीं चलेगा। दिनेश लाल यादव के यहाँ पर समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के दोनों समर्थक मौजूद है, इनकी गर्मा गर्म बहस है और साफ तरीके से यह बात जाहिर हो रही है कि दोनों लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कहना है कि दिनेश लाल यादव फिर से चुनाव जीतेंगे, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को बड़ी मजबूती से कह रहे हैं कि इस बार सांसद यहां से बनेंगे धर्मेंद्र यादव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।